परिस्थितियां बदली हैं, तो लोगों को एहतियात बदलना है। आप लोग इस आदेश से भली भांति अवगत होंगे कि 15 नवंबर का सरकार के विशेष सचिव गृह विभाग का निर्गत आदेश है, इसमें बहुत विस्तृत रूप से लिखा गया है कि COVID-19 को लेकर के क्या क्या तैयारियां की जा रही है और लोगों को भी क्या क्या प्रिकॉशन बरतना। तो सबसे पहली बात है कि इसमें ये निर्देश है कि मीडिया के माध्यम से या ऐसे भी जो पूजा समितियों की हम लोग शांति समिति के माध्यम से बैठक करते विभिन्न थानों में, वहाँ लोगों को जागरूक किया जाए कि लोग घरों पर ही इस बार छठ पर्व का आयोजन करें, क्योंकि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के जो व्यक्ति हैं और 10 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं वो ज्यादा वल्नरेबल हैं कोविड के संक्रमण को लेकर के। तो जिला प्रशासन भी लोगों से अपील करता है कि लोग अपने घरों में ही छठ पर्व का आयोजन करें। हाँ, गंगा का जल या गंडक का जो क्षेत्र है या सरयू नदी का जो क्षेत्र है, वहाँ से अगर जल लेकर के घरों में आप जाना चाहें तो संबंधित नगर निगम और नगर निगम भी इसको फैसिलिटेट करेगा और लोगों को वहाँ तक सहायता करेगा कि लोग जल लेकर के जाएं और जो शाम का अर्घ है, सुबह का अर्घ है, वो लोग अपने घर या आसपास का जो भी तालाब हो जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं हो वहीं पर करें। नदी घाटों पर जो भी प्रमुख नदी घाट हैं जहाँ की पहले काफ़ी भीड़ हुआ करती थी उसको अवॉइड करें। तो ये हम लोगों की पहली अपील है। दूसरा, जो सामान्य तैयारियां होती हैं छठ को लेकर के, वो हम लोगों की है कि अगर फिर भी लोग आ जाते हैं छठ घाटों पर तो पूजा समितियां भी तैयारी कर रही हैं, हम लोग भी नाव गोताखोर को हम लोग लगा रहे हैं, NDRF की टीम हम लोगों को मिल रही है, उसकी भी प्रतिनियुक्ति कल से हो जाएगी। नाव गोताखोर हम लोगों ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रत्येक घाट जिसमें भीड़ भाड़ होती है नाव गोताखोर 3 दिनों तक, कल शाम से लेकर के जब तक सुबह का जो अर्घ होता है उसके दिन तक वो नाव गोताखोर की प्रतिनियुक्ति करें। और यहाँ सिविल सर्जन साहब भी उपस्थित हैं, अन्य डॉक्टर्स भी हैं, जो एक्सपर्ट का भी ओपिनियन है कि डुबकी लगाने से संक्रमण का खतरा बढ़ता है। तो लोगों को अगर आप घाट पे जाते ही आपको लगता है कि नहीं हम घाट पे ही जाके छठ करेंगे तो डुबकी ना लगाएं पानी में, ये एक दूसरी अपील है कि डुबकी लगाने से संक्रमण का, उसी पानी में मरकर लोग डुबकी लगाते हैं तो संक्रमण का खतरा बढ़ता है, ये दूसरी अपील है। पहली अपील हम फिर रिपीट करेंगे, पहली अपील है कि लोग घर में या घर के आसपास जो भी जल निकाय हो वहाँ जो है महापर्व है उसको सेलिब्रेट करें। अगर आप घाटों पर जाते हैं तो आप डुबकी न लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग या जो भी सैनिटाइजर मास्क जो भी आपको प्रोटोकॉल है उसका पालन करना है। ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में जो छोटे तालाब हैं वहाँ अगर महापर्व का आयोजन होता है तो उसको लेकर के मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग इस सब की सारी व्यवस्था वहाँ पर पूजा समिति से समन्वय स्थापित करके प्रशासन वो सुनिश्चित कराएगा, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। पब्लिक एड्रेस सिस्टम पूजा समितियाँ भी लगाएंगी और सभी SDOs को भी निर्देश दिया गया कि जहाँ जहाँ भीड़ भाड़ है वहाँ पब्लिक एड्रेस सिस्टम, कंट्रोल रूम, हेल्थ फैसिलिटी, ताकि अगर कोई आकस्मिक स्थिति होती है एम्बुलेंस की सुविधा, एम्बुलेंस को ऐसे जगह पर प्लेस करने के लिए बोला गया है ताकि वो आसानी से रस कर सके। अगर भीड़ में एम्बुलेंस घुसी रहती है तो कभी कभी उसके कारण भी समस्या आती है। छोटे बच्चों को नदी या जो भी जो जल निकाय हैं वहाँ जाने ना दें, क्योंकि कई बार डूबने की घटना हो जाती है और पूरा जो एक माहौल रहता है वो बहुत गंभीर माहौल बन जाता है खुशी के त्यौहार में। तो माता पिता को या जो भी गार्जियन है उनको प्रिकॉशन बरतना चाहिए कि छोटे बच्चे जिनको तैरना नहीं आता है वो नदी में या गहरे तालाब में, इस बार ऐसे भी बारिश ज़्यादा हुई है तालाबों में भी काफ़ी पानी भरा हुआ है, जैसे शहर का ही आप जो देखेंगे जो राजेंद्र कॉलेज में बनवारी लाल तालाब बोलते हैं बहुत ही खतरनाक हो गया है, वहाँ इस बार छठ का आयोजन नहीं होगा। और जो अन्य जो भी घाट हैं वहाँ भी हम लोग तैयारी करा रहे हैं, लेकिन लोग अपने घरों से ही मनाएं ऐसी अपेक्षा हम लोगों की है। ट्रैफिक को लेकर के विधि व्यवस्था की जो भी सारी तैयारी है वो भी सुनिश्चित कराई जा रही है। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही था। और ट्रैफिक को लेकर के भी कुछ रिस्ट्रिक्शन रहेगा, लोग पैदल जा सके और भीड़ भाड़ ना लगे, इसलिए प्राइवेट व्हीकल से लोग छठ घाटों तक नहीं जाएंगे, ये व्यवस्था इस बार के ट्रैफिक में, जैसे पटना में भी ये व्यवस्था की गई है हम लोग भी कर रहे हैं कि प्राइवेट व्हीकल से छठ घाटों तक नहीं जाएंगे, जो आप मुख्य रास्ता है, अगर आपको घाट पे जाना ही है वहीं पे पार्किंग की व्यवस्था अपना देख लीजिए, वहां से फिर जैसे माथे पे रख के या जैसे हाथ में लेकर के जो भी सामग्री ले जानी होती है वही व्यवस्था यहाँ भी लागू होगी।
लोगों से यह भी अपील है मेरी, कोविड के प्रोटोकॉल और जो डूबने की घटनाएं होती है छठ के साथ, वो आज से ही नहाए खाए से लेकर के आपका जब जो सुबह का अर्घ होता है तो उसमें जिनको तैरना नहीं आता है, एक तो डुबकी नहीं लगानी, अगर लोग जाते हैं तो उसमें तैरना नहीं आता, छोटे बच्चे हैं उनको बिल्कुल जो भी वाटर बॉडी है उसमें जाने ना दें, ये मेरी लोगों से अपील। धन्यवाद। कुछ पूछना है तो बताइए। पटाखा वगैरह तो पहले से ही प्रतिबंध रहता है, नाव चलाने पे भी प्रतिबंध रहेगा, 144 तीनों एसडीओ ने लगा दिया है, क्योंकि इसी जिले में नाव से संबंधित कई बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, तो नाव के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा, किसी भी तरह का नाव का परिचालन नहीं होगा नदियों में, प्रमुख नदियों में, इसको लेकर के 144 लगा दिया गया है। और जो भी आपका प्रतिनियुक्ति है हम लोगों का, चाहे वो रिवर पेट्रोलिंग हो, हम लोग सोनपुर साइड में करा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि पटना कर रहे हैं कि घाट और उसके आसपास के लोग पटना साइड से इधर की तरफ आ जाते हैं, तो वहाँ हम लोग रिवर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ताकि जो है लोग उधर से जो बीच में टापू जैसा बन जाता है वो नहीं बन पाए, ये सब चीज़ों का भी ख्याल रखा जाए। सर राजेंद्र, सरोवर में इस बार पानी बहुत अधिक हो गया है और फीसवन ज्यादा रहता है, क्योंकि तो सिंगी नुमा जो तट घाट है वो 3 से 4 की संख्या में ही है, बाकी जितने पड़े हैं वो शिक्षा मतलब पूरा फीसवन नहीं। अभी हम लोग उसको विजिट करके भी आ रहे हैं, नगरायक साहब यहाँ उपस्थित हैं, एडीएम साहब भी हैं, एसडीओ साहब भी हैं, शहर का एक बहुत वो महत्वपूर्ण घाट है, तो वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हम लोग सुनेंगे।